गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फ्रैक्शन पढ़ रहे थे और फ्रैक्शन में आपको हमने मल्टीप्लिकेशन दिया था करने के लिए। फ्रैक्शन पढ़ रहे थे और फ्रैक्शन में क्या था, मल्टीप्लिकेशन पढ़ने के लिए दिया था, उसको मैंने बताया भी था। ठीक है, करने के लिए एक्सरसाइज वन से लिखे। एक्सरसाइज आपका क्या है, 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक करने के लिए बताया था। ठीक है, 1 से 3 तक था। अब इसमें कुछ क्या है, जैसे क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल के रूप में समझा दूं। ठीक है, तो दिया हुआ है 18/10 मल्टीप्लाई 7/8 मल्टीप्लाई, ठीक है, और क्या है आपके पास 12/49। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डोमिनेटर डिविडेंड देखते हैं। तो 7 के टेबल में 7 1 जा और 7 ये, ठीक है, ये 4 2 4 जा और 4 से 4 3 जा। 2 से ये कितना हो जाता है, 9 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, अब ऊपर क्या आता है, 9 × 1 × 3 और नीचे कितना आता है, 10 × 7 9 3 जा 27 और ये 7 किया जाता है। अब कुछ ऐसा टेबल जो इसको कटा दे तो नहीं कैंसिल है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई में ये हो गया। अब आते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स होते क्या है, तो वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन बोलता है अ फॉक्स कैन रन एट द स्पीड इतना माइल्स पर आवर, द स्पीड ऑफ द पैंथर इज 10 टाइम्स एट द फॉक्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द पैंथर। फॉक्स का जो स्पीड है, ठीक है, आपका फॉक्स का जो स्पीड है 152/3 माइल्स पर आवर, ये माइल्स है, एम आई एल ई एस माइल्स है, यानी कि ये 153/145+2 ये कितना हो जाएगा, 452/3 माइल्स पर आवर है। ठीक है, माइल्स पर आवर है। अब क्या करता है, जो पैंथर है वो 10 टाइम्स है फॉक्स का, तो पैंथर का स्पीड जो हो जाएगा ये 452/3 × 10, ये कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है, तो 452/3, ठीक है, 3 हो जाएगा, तो ये इतना माइल्स पर आवर हो जाएगा। इसको आप इस फ्रैक्शन में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में भी टोटली का टोटली क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां अब आते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। कहता है फाइंड द वेट ऑफ द इतना मार्क, फाइंड द वेट ऑफ द इतना मार्क, नंबर ऑफ मार्बल कितना है, आपका जो है नंबर ऑफ मार्बल्स कितना है, 230 है, और इच मार्बल्स का वेट कितना है, 10 × 1/2 = 21/2 grams है। ठीक है, तो अगर हम बात करें टोटल वेट की बात करें तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, तो 220 × 21/2, 2 के टेबल्स में 2 × 2 = 15 × 21, यानी कि 100 इतना मल्टीप्लाई 21 करते हैं, ये 115 × 21 करते हैं, तो 115 × 5 = 10, 1 × 2 = 2, 1 × 3 और ये 2, यानी कि 5142। ठीक है, तो टोटल वेट कितना हो जाता है, 2415 इतना ग्राम हो जाता है। इसको अगर केजी में कन्वर्ट करना हो तो इतना केजी आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है। तो जो है इसमें जो है 2.3 में है एक्सरसाइज, जो है आपका 2.2 जो 1 से 3 तक आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 से लेके
आप देखकर सॉल्व कर लीजिएगा और यहां से क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन खत्म हो जाएगा। तो हम लोग चलेंगे फ्रैक्शन के डिवाइड में चलेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।